नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टीरियस प्लेनेट में। यहाँ हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उद्गम भगवान श्री हरि के आंसू से हुआ था। सरयू नदी वैदिक कालीन नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह नदी हिमालय से निकलकर बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी को बौद्ध ग्रंथों में सरव के नाम से भी पुकारा जाता है। इतिहासविद कनिंघम ने अपने एक मानचित्र पर इसे मेगस्थनीज द्वारा वर्णित सोलोमतीस नदी के रूप में चिन्हित किया है और ज़्यादातर विद्वान टालेमी के द्वारा वर्णित सरोवेश नदी के रूप में मानते हैं। पुराणों में वर्णित है कि सरयू भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। आनंद रामायण के यात्रकांड में उल्लेख है कि प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने वेद को चुरा कर समुद्र में डाल दिया और स्वयं वहां छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया था और ब्रह्मा को वेद सौंप कर अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय हर्ष के कारण भगवान विष्णु की आंखों में प्रेमाश्रु टपक पड़े। ब्रह्मा ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर सुरक्षित कर लिया। इस जल को महाप्राकर्मी वैवस्त महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। ऋग्वेद में इंद्र द्वारा दो आर्यों के वध की कथा में जिस नदी के तट पर इस घटना के होने का वर्णन है वह यही नदी है। रामायण में वर्णित है कि सरयू अयोध्या से होकर बहती है जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि भी माना जाता है। बाद के काल में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया है। मत्स्य पुराण के अध्याय 121 और वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में इस नदी का वर्णन है। वामन पुराण के 13वें अध्याय, ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय और वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा आदि नदियों को हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू, घाघरा व शारदा नदियों का संगम तो हुआ ही है। सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। सरयू नदी की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। हिंदुओं के देवता भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने से हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।